Hello my future books, welcome back to my channel. अज असी करन जा रहे हैं क्लास 10th PSCB दा चैप्टर 4 इकोनॉमिक्स पार्ट 2. सो स्टार्ट कर दे हैं. इस पार्ट दे विच सब तो पहले आप पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर, यानी जो हुण अपना इंडस्ट्री दा जिहड़ा ढांचा चल रहे हैं. इंडिया दे विच जे आप गल करिए तो सब तो पहला आंदा है सैक्टर्स. अपने जड़े अंडरटेकिंग्स है वो 3 टाइप्स दे हैं इंडिया दे विच, पब्लिक सैक्टर, जॉइंट सैक्टर ते प्राइवेट सैक्टर. जड़ा पब्लिक सैक्टर है वो वाली अंडरटेकिंग्स है जड़ी गवर्नमेंट दे अंडर आंदी है. जॉइंट सैक्टर दे विच केड़ी आ गई जिहदे विच गवर्नमेंट ते प्राइवेट सैक्टर दोनों जॉइंटली ओन करदे ने. प्राइवेट सैक्टर केड़ा है जिहदे विच प्राइवेट पर्सनस ओन करदे ने अंडरटेकिंग्स नूं. नेक्स्ट है अपने कोल नॉन फैक्टरिंग मैनुफैक्चरिंग यूनिट्स ते फैक्टरी मैनुफैक्चरिंग यूनिट्स. दोनों दे 2 टाइप्स है. जे आप नॉन फैक्टरी मैनुफैक्चरिंग यूनिट्स की गल करिए तो अपने कोल 2 टाइप्स की आंदियां ने, स्मॉल ते कॉटेज इंडस्ट्रीज. ते जे आप फैक्टरी मैनुफैक्चरिंग यूनिट्स की गल करिए तो उहदे विच 2 टाइप्स आ गईआं, एक फैरा कंपनीज, एक MRTP कंपनीज. सो दोनों नूं आपां डिस्कस करने डीपली. सो जिहड़ी कॉटेज इंडस्ट्रीज़ है इन्हां बारे आपां नैक्सट पेज ते कवर करांगे. सब तो पहले आपां देखदे हां फैक्टरी मैनुफैक्चरिंग यूनिट्स दे 2 टाइप्स दी डेफिनेशन. फैरा कंपनीज़ कीहड़ियां ने? इहो कंपनीज़ ने जिहड़ी लार्ज स्केल ते यानी बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन करदियां ने ते एक फॉरेन एक्सचेंज यूज़ करदे ने बहुत ज़्यादा लार्ज क्वांटिटी दे विच. नैक्सट आती है MRTP कंपनीज़. इहदे विच की है जिहड़ी कंपनीज़ है ये MRTP एक्ट दे अंदर काम करदी है. MRTP एक्ट दी फुल फॉर्म है मोनोपली एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस. ये भी लार्ज स्केल ते प्रोड्यूस करते हैं. नेक्स्ट है जे आपां इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की गल करिए इंडिया की, जिहड़ी स्कॉटिश ते स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है बाकी जिहड़ी इंडस्ट्रीज़ है उन्होंने कंपैरिजन दे विच, सिर्फ पब्लिक सैक्टर अंडरटेकिंग्स नूं छड्ड के. जे आप गल करिए 40% टोटल जिहड़ी भी प्रोडक्शन हो रही है कंट्री की उहदे विच जिहड़ा 40% हिस्सा है टोटल प्रोडक्शन विचों वो यही अंडरटेकिंग्स कवर करदियां ने. जे आप परसेंटेज की गल करिए फैरा कंपनीज़, MRTP कंपनीज़ ते होर जिहड़ी प्राइवेट कंपनीज़ है इन्हां सारिआं दी प्रोडक्शन मिला के भी वह कॉटेज ते स्मॉल इंडस्ट्रीज़ तो घट ही होएगी. सो फर्स्ट आप डिस्कस करनी है डीपली कॉटेज इंडस्ट्रीज़. कॉटेज इंडस्ट्रीज़ वह इंडस्ट्रीज़ ने जिहड़ी कंप्लीटली या पार्शियली यानी पूरी या थोड़ी अद्धी कह सकते हैं फैमिली मैंबर के द्वारा चलाई जाती है, चाहे वह होल टाइम बिजनेस हो या पार्ट टाइम बिजनेस. इस टाइप की जिहड़ी इंडस्ट्रीज़ होंदियां ने यह ऑलमोस्ट आर्टिसेंस ही अपने घरां दे विच खोलते ने. आर्टिसेंस यानी जिहड़े कला दी चीज़ां जानते ने, लाइक मशीन्स जिहड़ियां उत्थे बहुत घट यूज़ होंदियां ने. यह जिहड़ी इंडस्ट्रीज़ होंदी लोकल रिक्वायरमेंट नूं पूरा कर सकदियां ने. जिहड़ी कॉटेज इंडस्ट्रीज़ होंदियां ने घर दे लोक ही ऑलमोस्ट यूज़ करदे ने, काम करदे ने इहदे विच. ते जिहड़े वर्करस होंदे ने लेबर बेसिस ते आपां देखिए तो बहुत ही रेयरली किसी ही जगह ते यूज़ होंदे ने. तो ये जड़े बहुत घट इन्वेस्टमेंट दे नाल ही स्टार्ट किए जा सकते हैं, मीनस इन्हां दे विच लैस कैपिटल की जरूरत होंदी है. तो जिहड़ी इंडस्ट्रीज़ है मेनली विलेजेस दे विच ही पाई जाती है. सो इन्हां नूं विलेज या रूरल इंडस्ट्रीज़ भी किया जाता है, यानी पेंडू इंडस्ट्रीज़ किया जाता है. नैक्सट आता है इंपॉर्टेंस की है कॉटेज इंडस्ट्री की. सो ये आप पॉइंट्स डिस्कस करने हैं कुछ. सो देखते हैं इन्हों. सो इंपॉर्टेंस के अपने को 3 पॉइंट है. पहला जिहड़ी रुजगार की अपॉर्चुनिटीज़ है, इंपलॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ है वो इनक्रीज़ होंदियां ने विलेजेस के अंदर, क्योंकि जिहड़ी कॉटेज इंडस्ट्रीज़ है वो विलेज के विच ही ज़्यादा पाई जाती है. आर्टिस्टिक कोस्टली गुड्स जिहड़े ने इस कॉटेज इंडस्ट्री के विच प्रोड्यूस हो जाते हैं. जिहड़े लोग विलेज टू सिटी के विच बहुत ज़्यादा शिफ्ट हो रहे थे ये चीज़ थोड़ी घट गई इस नाल, बिकॉज लोग विलेजेस के विच ही इस्टैबलिश होने लग गए, सैटल होने लग गए. नैक्सट आता है कॉजेज ऑफ डिकलाइन. ये डिकलाइन के कॉजेस की ने? तो मेन जो डिकलाइन कॉटेज इंडस्ट्री की इंडिया के गल करिए 3 पॉइंट्स है.
कॉटेज इंडस्ट्री जी है ये प्रोडक्शन उस सस्ती प्रोडक्शन ना कंपीट नहीं कर सकती जी मॉडर्न इंडस्ट्रीज बन रही है। मान लो एक ऑब्जेक्ट है जोड़ा वह मॉडर्न इंडस्ट्रीज भी बन रहा है तो कॉटेज इंडस्ट्री के भी बन रहा है। सो इधर वाला जोड़ा होएगा मॉडर्न इंडस्ट्री वाला वो सस्ता होएगा बिकॉज ये मशीन यूज हुई है लैस ह्यूमन एफर्ट है ह्यूमनस ने घट कम किया मशीन ने ज़्यादा किया प्लस टाइम भी घट लगे सो ये जी कीमत होएगी सस्ती होएगी पर ये टाइम भी ज़्यादा लगे ह्यूमन की मेहनत भी ज़्यादा लगी है तो मशीन भी नहीं यूज हुई सो यदि कीमत थोड़ी ज़्यादा होएगी। नैक्सट आता है दे डू नॉट गेट चीप फाइनेंसिस इन एडिक्यूएट क्वानटिटी उन्होंने कोई ज़्यादा फाइनेंसिस नहीं मिल रहे सी वधिया क्वानटिटी दे विच आपां देखिए जे। नैक्सट आता है जिहड़े विलेज आर्टिसन सीगे यानी जिहड़े विलेज दे आर्ट करन वाले सीगे उन्होंने इन्नी नॉलेज ही नहीं सी मॉडर्न बिजनेस किद्दां करना है प्रोग्रेस यानी किद्दां वधाईए बिजनेस नूं की रिसर्च करनी है ना ही वह कोई न्यू डिज़ाइन बनाते सी तो उन्होंने टैक्निक्स भी बहुत पुरानिया से उन्होंने पता ही नहीं सी किद्दां बेचना या किद्दां एडवरटाइज करना है। नैक्सट आता है मेजर्स फॉर डिवेलपमेंट कॉटेज इंडस्ट्री नूं वधिया करन दे लई की काम किए गए ने। सब तो पहला तो है खादी ते विलेज इंडस्ट्री कमीशन बिठाई गई सैट की गई जो कि करती सी इन्हां कंपनीज़ की सॉरी इन्हां इंडस्ट्रीज़ की जिहड़ी स्पैशल जरूरत नीड्स है उन्होंने पूरा करती सी। नैक्सट है इकनोमिक असिस्टेंस थोड़ा पैसे दे विच हैल्प किया गया ताकि जिहड़ी इंडस्ट्रीज इन्हां दी सेल प्रमोट होए ज़्यादा होए। नैक्सट है बहुत सारे जिहड़े इंस्टीट्यूशन सैट किए गए जो इन्हां नूं एडवाइस दे सकन कि किद्दां ही अपने डिजाइन इंप्रूव करन ते किद्दां अपनी प्रोडक्शन दी सेल्स नूं बूस्ट करन। नैक्सट आउंदी अपने कोल स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ये की है देखो पहला जी आप गल करिए स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज पहले के टाइम पर बहुत सारे बेसिस से बहुत सारे टाइप्स डिवाइडेड सी बट जून 1997 तो बाद गवर्नमेंट ने थोड़ा सैट किया जिहड़ी भी फैक्ट्रीज हुण 3 करोड़ की इनवैसटमेंट के अंडर आदि ने वो सारी जी है वह कि आनगियाँ स्मॉल स्केल के कहने का मतलब यह थोड़ा सैट किया गया कि किस बेसिस से स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज दे विच जिहड़ी किहड़ी किहड़ी इंडस्ट्री आएगी वो देख सकन। जे आप गल करिए इत्थे 1996 to 1997 की तो अपने इंडिया दे विच 27.24 लाख छोटी इंडस्ट्री सी। डरो ना जो तुहानू अजे वी स्मॉल स्केल नहीं समझ आया अगे आप थोड़ा चंगी तरह देखांगे जस्ट एक वैसे ही सी इहदे विच कुछ इन्ना है नहीं सी। नैक्सट जे आप पंजाब की गल करिए तो ये 1.88 लाख टाइनी इंडस्ट्रीज़ है 4.15 लार्ज तो मीडियम यानी थोड़ी वड्डी तो थोड़ी मीडियम जी स्केल इंडस्ट्रीज भी है। नैक्सट जो आप 2003 to 2004 की गल करिए उदो 115.22 लाख इंडस्ट्रीज से इंडिया के हूँ आता है मेन कम स्मॉल स्केल तो कॉटेज इंडस्ट्री के डिफरेंट की है मेन इन्हें जो आप देखिए डिफरेंस तो बहुत सारे आ जाते हैं। जिहड़ा फिस्कल कमीशन है उन्हें गल राइट की उन्होंने लिखा है कि जिहड़ी कॉटेज इंडस्ट्री है नॉर्मली पेंडू खेत्र सैट की जाए तो एग्रीकल्चर के नाल ही रिलेटिड होंगे ने तो यह पूरा टाइम एम्प्लॉयमेंट दिदिया ने लोगों को रुजगार दिदिया ने जबकि जी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है वो शहर के सैट होंगे ने या जो टाउन आ जाते हैं भी सैमी अरबन होंगे ने थोड़े जे अरबन होंगे ने ज़्यादा रूरल नहीं होंगे उत्थे सैट होंगे ने तो भी फुल एम्प्लॉयमेंट देंदे वर्करस न। नैक्सट आ जाते हैं मेन डिफरेंस जोड़े है पॉइंट्स के ने जिहड़ी कॉटेज इंडस्ट्री है नॉर्मली विलेज के अंदर सैट होंदी है तो पूरी कंट्री के अंदर फैली हुई है बट जिहड़ी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है वह मोस्टली सिटीज़ के अंदर होंदी है। नैक्सट आ जाते हैं कि जिहड़ी कॉटेज इंडस्ट्रीज़ है उहदे विच सिर्फ फैमिली मैंबर्स वर्क करते हैं जबकि स्मॉल स्केल के हायर्ड वर्कर यानी वर्कर हायर करने पैंदे ने। नैक्सट आता है कॉटेज इंडस्ट्री जिहड़ी है वह लोकल नीड्स नूं पूरा करन दे विच हैल्प करते हैं बट जिहड़ी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है वो सिटीज़ के लिए सैमी अरबन एरियाज़ के लिए वधिया गुड्स प्रोड्यूस करते हैं तो इन्हें जिहड़ी प्रोडक्शन मार्केट है मीनस वो लार्ज होंगी है। नैक्सट आता है कॉटेज इंडस्ट्रीज के अंदर जिहड़ी प्रोडक्शन है वो सिंपल टूल्स नूं यूज़ करके होंगी है तो बहुत ही घट इनवैसटमेंट या कैपिटल चाहिए होंगे पर जो आप वे स्मॉल स्केल की गल करिए स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए पावर भी चाहिए है वर्किंग कैपिटल भी चाहिए इंडस्ट्रीज। नैक्सट आते कॉटेज इंडस्ट्री के ट्रडिशनल गुड्स प्रोड्यूस होंगे ने लाइक खादी मैट्स हो गए शूज़ हो गए जबकि स्मॉल स्केल मॉडर्न गुड्स होंगे है जिमें कि रेडियो टैलीविजन इलैक्ट्रिकल इलैक्ट्रॉनिक गुड्स एसेट्रा। नैक्सट आते हैं
इंपॉर्टेंस की है स्मॉल ते कॉटेज इंडस्ट्रीज की। सो दे विच फर्स्ट पॉइंट एम गोल इंपॉर्टेंस विच मोर इंप्लॉयमेंट। जे स्मॉल स्केल ते कॉटेज इंडस्ट्रीज इंडिया विच होंदे है ते मोर इंप्लॉयमेंट होएगी। जेडे मोर इंप्लॉयमेंट होएगी कि वी होएगी बिकॉज दे विच लेस कैपिटल इन्वेस्ट होंदा है। ये जड़ी इंडस्ट्रीज है लेबर इंटेंसिव है, यानी बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ होने की जो आप इंडस्ट्रीज डेवलप करते हैं थोड़ा वधिया करते हैं। नैक्सट आता है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वैल्थ। जी इनकम की वैल्थ है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होएगी क्योंकि इन इंडस्ट्रीज करके वो किमें एक रीज़न है कि जी इंडस्ट्रीज होंगी इन कैपिटल सेंट्रलाइज नहीं होंगे भी कुछ ही लोगों को इनकम जाएगी कुछ ही को वैल्थ जाएगा बल्कि ये छोटे छोटे क्वानटिटीज डिवाइडेड होंगे जिदा कि होंगे इनकम बहुत सारे लोगों को मैक्सीम लोगों को बेनीफिट जाता है। इनका जड़ी भी इनकम इंडस्ट्री तो जनरेट होएगी वो बहुत सारे लोगों को जाएगी बिकॉज पूरे इंडिया फैले हुए हैं। ये नहीं है कि कुछ कुछ जगह तो या तो कुछ कुछ लोगों ने इनकम तो वैल्थ आ रही है, इट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड इन ऑल ओवर इंडिया। नेक्स्ट है डिसेंट्रलाइजेशन। जी मोस्टली वड्डी कंट्रीज होंगे ने उन्होंने को टेंडेंसी होंगी है इंडस्ट्रीज को कि वह एक जगह पर किसी भी सिटी के सेंट्रलाइज हो जाए जिसका रिजल्ट की है इकोनॉमिक डिवेलपमेंट जी कंट्री की अनबैलेंस हो जाती है। तो इस इंडस्ट्रीज न जोड़े एक जगह पर सेंट्रलाइज हो जाते हैं उन्होंने डर बना रहा है कि कोई भी एनिमी आके उन्होंने जी इंडस्ट्री है उन्होंने खत्म ना कर दें डिस्ट्रॉय ना कर दें बिकॉज वॉर्स के ऐसा कुछ होंदा रहा है। जबकि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज सारी कंट्री के फैली हुई है तो उन्होंने कोई डर भी नहीं जब किसी भी जगह पर कुछ दिनों में कोई चीज़ डिस्ट्रॉय हो भी जाए बिकॉज जो मान लो कुछ जगह पर होया भी है बाकी कंट्री के हजे भी पईयां ने इंडस्ट्रीज जिदा रिजल्ट की है जेडे भी डीमेरिट्स है बुरियां जड़ी रह गई ने अर्बनाइजेशन लाइक शॉर्टेज ऑफ हाउसिस घर की कमी या प्राइजिज वधना या वूमेन ते चिल्ड्रन का एक्सप्लोइटेशन ये सारे अवॉइड हो जाते हैं। नेक्स्ट आता है इंक्रीज इन प्रोडक्शन। जो स्मॉल स्केल से कॉटेज इंडस्ट्रीज इंडिया के डेवलप किए जाते हैं तो प्रोडक्शन बहुत इंक्रीज आएगा, पॉसिबिलिटी यही है बिकॉज क्योंकि जो आप टोटल देखिए जो भी चीज़ इंडिया प्रोड्यूस होती है 60% जरा है वो बिग इंडस्ट्रीज तो आता है बट 40% कॉटेज से स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज चो भी आ रहे हैं। नैक्सट है एक्सपोर्ट्स। देर इज़ लॉट ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ दिस इंडस्ट्रीज इन एक्सपोर्ट ऑफ द कंट्री। एक्सपोर्ट के भी बहुत मदद करते हैं कंट्री के। जे आप 1996 to 1997 की गल करिए कंट्री विचो स्मॉल स्केल सैक्टर चो 34% चीज़ें एक्सपोर्ट हुई सी यानी टोटल दे विचो 34 चीज़ा जी एक्सपोर्ट हुई ने किदे विचो सी स्मॉल स्केल सैक्टर दे विचो। तो जे आप गल करिए एक्सपोर्ट दे अंदर नॉन ट्रेडिशनल गुड्स जिवें इलैक्ट्रिकल गुड इलैक्ट्रॉनिक इक्यूपमेंट वगैरह उन्हां विचो स्मॉल स्केल सैक्टर का शेयर 38% सी। नैक्सट आते यूज़ ऑफ लोकल रिसोर्सिज। जे दोनों इंडस्ट्रीज स्मॉल स्केल ते कॉटेज सैट होंदिया ने इंडिया दे विच चंगी तरह तो जड़े लोकल रिसोर्सिज है उन्होंने यूज़ किया जा सकता है बिकॉज बिग इंडस्ट्रीज जड़े लोकल रिसोर्सिज है उन्होंने यूज़ नहीं करते। नैक्सट आता है एग्रीकल्चर ते जड़ा बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन का प्रेशर पै रहा है वो घट जाएगा। लैंड अगे तो अगे डिवाइड होंगे जा रहा है छोटे छोटे पीसिस से बिकॉज सारे लोग एग्रीकल्चर से डिपेंड हो रहे हैं अप्रोक्सीमेट ता करके हर साल एक चीज़ हो रही है कि जी हर साल है 30 लाख तो भी ज़्यादा वादे जा रहे हैं एग्रीकल्चर का डिपेंड होने वाले। सो इस बर्डन लैंड के उत्तर बर्डन घट करने ये इंडस्ट्रीज का इस्टैबलिश होना स्थापना होना बहुत जरूरी है। नैक्सट आते ऐसी इंडस्ट्री सुचेबल है इंडिया वर्गी अंडर डेवलप्ड कंट्रीज के लिए। जो आप इंडिया की गल करिए जो कैपिटल है वह बहुत घट है पर वर्करस इन्ने ज़्यादा भरे हुए हैं। सो जी ये इंडस्ट्रीज है लेबर इंटेंसिव है। सो ये जी ने अंडर डेवलप्ड कंट्री लाइक इंडिया दे विच बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आर्टिस्टिक गुड्स जी प्रोडक्शन है आर्टिस्टिक गुड्स की वो इसी इंडस्ट्रीज थ्रू पॉसिबल है। जब आप इंडिया की गल करिए तो बहुत सारे गुड्स है जो इन्हीं इंडस्ट्रीज मैन्युफैक्चर होंगे है लाइक बनारसी साड़ीज होगी ऑर्नामेंट्स हो गए या आइवरी गुड्स हो गए। नैक्सट आता है इंडिविजुअल टेस्ट। हुण तुसीं गल देखो जिहड़ी स्मॉल स्केल ते कॉटेज इंडस्ट्री है उहदे विच जिहड़े भी लोग काम कर रहे हैं जो भी मैन्युफैक्चर हो रहा है वह नाल वाले लोग जो भी खरीदने वाले हैं उन्होंने अकॉर्डिंग बनवाया जा सकता है बट वड्डी इंडस्ट्री के ऐसा नहीं हो सकता ना उन्होंने तो मशीन ऑर्डर देना सारी चीज़ा आइडेंटिकल बनेगियाँ
ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਮਾਲ ਸਕੇਲ ਅਤੇ ਕੋਟੇਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਣਵਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਟੇਸਟ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਖੁਦ ਬਣਵਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਟੂ ਲਾਰਜ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਦੋਨੋਂ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਹੈ, ਸਮਾਲ ਅਤੇ ਕੋਟੇਜ, ਦੋਨੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਲਾਰਜ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ। ਬਿਕੋਜ਼ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਬਿਗ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਸਮਾਲ ਅਤੇ ਕੋਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਸ ਬਣਾਏ ਗਏ, ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਮੋਟਰ ਬਣਾਈ ਗਈ, ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਛੋਟੀ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਬਿਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਟਰੈਕਟਰਸ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਸਤਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਸਮਾਲ ਸਕੇਲ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈਣਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਫਰੋਮ ਫੋਰਨ ਕੰਟਰੀਜ਼। ਜੇ ਆਪਾਂ ਫੋਰਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੇਖੀਏ, ਤਾਂ ਬਾਹਰਲੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਡਿਵਲਪਡ ਹੈ, ਲਾਈਕ ਜਪਾਨ, ਅਮੈਰੀਕਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਸਮਾਲ ਅਤੇ ਕੋਟੇਜ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਜਪਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਹਜੇ ਵੀ 83% ਆਫ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਇਸੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਮੈਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 65% ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸੀ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 30 ਲੱਖ ਪੀਪਲ ਹਜੇ ਵੀ ਇਸੀ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੋ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੰਨਾ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਈ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਕਮੈਂਟ ਕਰੋ ਅਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਥੈਂਕ ਫੋਰ ਵਾਚਿੰਗ ਦ ਵੀਡੀਓ।